खरगोन जिले में खाद संकट गहराता जा रहा है। फसल को बचाने और उत्पादन बढ़ाने की आस में किसान खाद के लिए घंटों कतारों में लग रहा है। बाजार में जहां काला बाजारी और महंगे दामों पर खाद बिक्री की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहीं शासन स्तर पर सोसाइटियों से महज 3 बोरी खाद दी जा रही है, जो किसानों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। शनिवार को उमरखली रोड स्थित खाद वितरण केंद्र किसानों ने लाइन में खड़े खड़े थकावट महसूस की तो अपनी जगह पावती की कतार बना दी। किसान लोकेंद्र चौहान कुम्हार खेड़ा ने बताया कि उन्हें 5 बोरी खाद की आवश्यकता है और केंद्र से आधार कार्ड पावती दिखाने पर 3 बोरी खाद दी जा रही है। किसानों को अगर 10 एकड़ खेती में खाद डालनी है तो कम से कम उसे 10 बोरी चाहिए। इसके लिए उसे दोबारा समिति पर चक्कर लगाना पड़ते हैं। ऐसे में बुआई भी प्रभावित हो रही है। किसान मोरेलाल ने बताया कि बाजार में 400 रुपए में यूरिया बेची जा रही, जबकि केंद्र पर 266 रुपए में खाद मिलती है। बाजार में तय दामों से अधिक दाम पर बेचने की शिकायत के बाद भी न तो कृषि विभाग कार्यवाही कर रहा न ही जिला प्रशासन। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है? यूरिया लेने आए हैं, यूरिया नहीं मिल रही है, लाइन में लग रहे हैं। तो कितने बोरी मिल रहे हैं? 3 बोरी यूरिया मिल रही है। आपको ज़रूरत कितने की? ज़रूरत 5 बोरी की। क्या नाम लिखते हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र चौहान। कहाँ से है? कुमार खेड़ा। ये कैसा क्या खाद का वितरण? खाद प्रत्येक आधार कार्ड और पावती लगती है, उसमें 3-3 बोरी दी जाती है। एक बोरी मतलब पावती कितना खाद दे रहे हैं? एक पावती पे मतलब एकड़ के हिसाब से लेते हैं। क्या रेट में दे रहे हैं आप? एक एकड़ में 2 बोरी। रेट क्या है इसका? खाद 266.50। किसानों का आरोप है कि 360 में रेट है या 466 में दे रहे हैं? बोले कौन बोला? बोलते किसान बोल रहे। बिल देख लो, आप चेक कर लो बिल। क्या रेट क्या है अपने यहाँ? 266.50। 70 रुपये ले रहे भाई, दुकान पर 400 में मिल रहे हो, यहाँ 66 में दिया था पहले। दुकान में कितने मिल रहे? अभी तो मिल ही रही हो। और दुकान में कितने मिल रही? दुकान में 400 में। तो यहाँ कितने दे रहे? यहाँ 70 में। 470 270। किस पे दे रहे हैं? क्या पावती? आधार कार्ड में पावती मांगी थी। कितनी बोरी दे रहे? 3 बोरी दे रहे। क्या नाम है आपका? मोरेलाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।